बैंक निफ्टी में जैसे हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लैग बेरिश फ्लैग पोल पैटर्न बन रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने जो आपको पहले ही बोल दिया था कि बैंक निफ्टी पहले अप ट्रेंड में था, ओके, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो ध्यान से, जैसे ही धीरे 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 अप ट्रेंड करता था, ओके, दो थेरी के हिसाब से, और यहाँ पे आने के बाद उसने, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, देखो यहाँ पे, यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक डबल बॉटम बना दिया, ओके। और डबल बॉटम बनाने के बाद ऊपर आने की कोशिश की लेकिन ऊपर नहीं गया और हमारा बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो इस जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा था इसलिए हमने बिल्कुल भी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया है, ओके। तो लेकिन आज हमें बैंक निफ्टी में कल के लिए और यहाँ से आगे के लिए ट्रेड मिलना शुरू हो गया, लेकिन उसके लिए एक चीज़ की ज़रूरत है। अगर उसका कंफर्मेशन हो जाए तो फिर हम कंटिन्यूसली बेरिश साइड पे ट्रेड लेने को शुरुआत कर सकते हैं, ओके। दोस्तों मैं हूँ श्री शैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एटीट्यूड में। अगर आप देखो दोस्तों यहाँ पे हमने जो फ्लैग बनाया हुआ है उसका पोल यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, और वो यहाँ तक कनेक्ट करता है। अब ये जो हमने कंसोलिडेशन किया है बैंक निफ्टी ने, ओके, तो इसमें काफ़ी सारे लोग जो होते हैं ना बायर्स, स्पेशली बायर्स, सेलर्स का तो प्रॉफिट होता है लेकिन बायर्स, बेचारे बायर्स इसमें फंस जाते हैं। जैसे कि कल का दिन देख सकते हैं कितना ज़्यादा साइड वे था, परसों का दिन कितना ज़्यादा साइड वे था, ठीक है, और ये जो दिन था उसमें अब कितने लोगों ने ट्रेड पकड़ा होगा या फिर नहीं पता नहीं। तो ये जो पूरा का पूरा साइड वे चल रहा था बैंक निफ्टी, उसको अब यहाँ पे अगर आप देखो एक रेड कैंडल बनी हुई है, उसका वॉल्यूम आप देखो 15.568 मिलियन, इतने ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे, ठीक है, इतने ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है दोस्तों, इतने ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे जैसे ही हमारे फ्लैग का सपोर्ट ब्रेक होता है उस वक्त सेल किया है। अब ठीक है, सेल तो किया है, उसके बाद आज के दिन बाइंग भी यहाँ तक आई है लेकिन उसने अभी इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। अगर कल के दिन यहीं पे ओपन होता और यहाँ से नीचे घूम रहा है ना, तो आप इसके ऊपर आराम से स्टॉप लॉस लगा के पुट साइड पे अच्छा खासा ट्रेड पकड़ सकते हो और यहाँ से वो ट्रेंड कंटिन्यूअसली जाएगा नीचे के साइड में। कंटिन्यूअसली जाएगा मतलब कैसे जाएगा ये भी आपको दिखाता हूँ। जैसे वो नीचे जाना शुरू करेगा ना, तो ऐसे जाएगा, थोड़ा ऊपर आएगा, फिर ऐसे जाएगा थोड़ा, मतलब लोअर हाई लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो करते करते नीचे के साइड पे जाएगा, समझे आप। तो बैंक निफ्टी में इस तरीके से अपॉर्चुनिटी आपको कल के दिन मिल सकता है। अब निफ्टी में देखेंगे, जैसे निफ्टी के बारे में मैंने आप सभी से पहले ही बोल दिया था कि मैं निफ्टी के बारे में बुलिश हूँ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा था, निफ्टी के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पूरा का पूरा 15 मिनट का चार्ट लगा के आपको क्लियर करता हूँ। देखिए ये देखिए, हमने यहाँ से यहाँ तक अगर ट्रेंड लाइन खींचा रेजिस्टेंस का, ओके, तो और ये दूसरा जो था सपोर्ट वाला ट्रेंड लाइन, ये यहाँ से यहाँ तक खींचा, ठीक है। तो इसके बीच में निफ्टी बिल्कुल नीचे आता ऊपर जाता, नीचे आता ऊपर जाता, ठीक है, और यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बनाया था। देखो ये हो गया इसका लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया इसका हेड और ये हो गया उसका राइट शोल्डर, ओके, समझ रहे हैं ना आपको। तो इसको अब यहाँ से फिर एक बार उसी शोल्डर का अगर नेकलाइन आपको बिल्कुल निकाल के दिखा दो आपको ट्रेंड लाइन की मदद से, समझो नेकलाइन होता है ये वाला लाइन गला, अगर इस नेकलाइन को हम निकालें, ठीक है, ध्यान से, अभी पिक्चर परफेक्ट नहीं निकाला है, ऐसे ही निकाला है, लेकिन उस इसी नेकलाइन का सपोर्ट लिया है आप देख सकते हैं और यहीं से ऊपर जा रहा है। इन्वर्टेड जो होता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, कप एंड हैंडल, इस तरीके के जो चार्ट पैटर्न होते हैं वो बुलिश, बेरिश टू बुलिश चार्ट पैटर्न होते हैं, ओके। तो इसीलिए मैंने कहा था कि मैं निफ्टी के बारे में, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें बुलिश हूँ। अभी ये जो कैंडल है जिसने, ये वाली जो कैंडल है
ग्रीन, उसका वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो 19 मिलियन वॉल्यूम है। बाकी अदर जो अगर आप कैंडल्स देखोगे तो उसमें 9 मिलियन, 8 मिलियन, ठीक है। अब ये सेलिंग वाले कैंडल में काफ़ी ज़्यादा था सुबह के, ठीक है, 20 मिलियन, 21 मिलियन था इसमें। तो उसके बाद आप देखो कि उस उतना सेलर का वॉल्यूम होने के बावजूद भी ऊपर जाके इतना सारा वॉल्यूम क्लियर करके अगर बायर आए हैं, अब कल के दिन निफ्टी में किस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देखो इस तरीके से ऊपर जाता है, हमारे इसी जो रेजिस्टेंस लाइन है उसको सपोर्ट बनाता है, ऊपर जा रहा है तो अब काफ़ी नज़दीक स्टॉप लॉस लगा लेना और ऊपर के साइड पे आपको। अब इसमें एक दिक्कत होती है दोस्तों कि उन्हें पता होता है कि ये जो रेजिस्टेंस को टच करेगा तो बहुत सारे बायर आएंगे, तो वो जानबूझकर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस खाने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए गए स्टॉप लॉस खाएंगे, उन्हें ऊपर ही जाना है लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस करेंगे और फिर ऊपर जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रेड लेने की कोशिश करना, चाहे तो फर्स्ट वेव में मत लेना, मतलब फर्स्ट मूव में मत लेना, ऐसे जैसे यहाँ से नीचे आया ऊपर गया, सेकंड जब आएगा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं, इस तरीके से प्राइस एक्शन देखने के बाद निफ्टी में जा सकते हैं, ठीक है। तो निफ्टी के बारे में मुझे कॉल साइड पे पॉसिबिलिटीज लग रही है, बैंक निफ्टी के बारे में मुझे पुट साइड पे लग रही है। तो ओवरऑल सब प्राइस एक्शन देख के कल ट्रेड करने की कोशिश करना, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। अब क्रूड ऑयल के बारे में जो कल का हमारा जो एनालिसिस था वो ये था, कल हमने यहाँ से बोल दिया था कि इस लाइन के नीचे जाएगा तो धड़म से गिरेगा और उसे गिर गया। अब कल का हमारा एनालिसिस ये था कि यहाँ से हम वेट करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर आएगा और यहाँ से नीचे जाएगा तो फिर हम अगर सेल की तरफ जाता है तभी हम उसमें एंट्री करेंगे, लेकिन वो गया ही नहीं। ओके, लेकिन वो गया ही नहीं, और साथ ही साथ क्रूड ऑयल जब नीचे के साइड पे, ठीक है, यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आया तो उसने एक काफ़ी बढ़िया बुलिश एनकल्फिंग बार पे बनाया और यहाँ से काफ़ी अच्छी रैली कल के दिन और आज के दिन कम्प्लीटली हमें मिली है। ओके, तो अभी हमारे लिए अगर बुलिश साइड पे अगर ट्रेड बनता है तो हम अभी देखो, ये एक्चुअली क्रूड ऑयल में जो अगर आप जाकर देखोगे ना तो वन डे का अगर ट्रेंड देखोगे, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर क्लियर सब कुछ बताऊंगा कि किस तरीके से हमें देखना चाहिए। ओके, तो ये जो वन डे का ट्रेंड है ना दोस्तों, अगर आप देखो तो डाउन ट्रेंड चल रहा था। ओके, मतलब दाउ थ्योरी के हिसाब से देख सकते हैं आप, थोड़ा छोटा करेंगे, यहाँ पे हाई बनाया है। ओके, यहाँ पे फिर एक बार लोअर हाई बनाया। ओके, मतलब ये एक तरीके से डबल टॉप ही बनाया, ठीक है, डबल टॉप ही बनाया, तो ट्रेंड चेंज हो गया। फिर यहाँ पे आने के बाद लोअर हाई, लोअर हाई, ओके, फिर एक डबल टॉप हो गया यहाँ पे, फिर लोअर हाई, लोअर लोअर हाई, ठीक है, यहाँ पे कंपेयर टू दिस यहाँ पे लोअर हाई बनाया। अब क्रूड ऑयल यहाँ पे आया है और उसने इस लोअर हाई को, मैं आपको बताऊँ, मेरा एक एनालिसिस था कल का कि इसको ब्रेक नहीं करेगा और यहीं से नीचे की तरफ घूमेगा। ओके, लेकिन आज एक गुड, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे इसको ब्रेकआउट मिला है ऊपर की साइड। ओके, तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा, ठीक है, ऐसे ऊपर जाएगा फिर तो ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो आपने तो पैटर्न बगैर बनाए हुए ही कैसे, तो देखो यहाँ पे पैटर्न बन गया दोस्तों, ये देखो पैटर्न बनता है, कभी कभी हमें समझ में भी नहीं आता। डबल बॉटम, ठीक है, डबल बॉटम, समझ में आपको, तो इस तरीके से भी पैटर्न्स बनते हैं, थोड़ा बहुत हाई लो होता है तो देखेंगे अभी उसमें, लेकिन अभी 15 मिनट में जाके हमें कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो 15 मिनट में जाकर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी। अब हमें बाइंग साइड पे ही जाना है, तो यहाँ से आओ, इस लो को पकड़ो और इसके हाई को मार्क करो। अगर यहाँ से नीचे आता है तो वो कहाँ तक नीचे आएगा तो उसका कैलकुलेशन करो, लेकिन अभी आपको मैं बताता हूँ कि उस लेवल तक आने के बाद भी बाय नहीं करना है तुरंत,
जैसे यहाँ से नीचे आएगा, समझ लीजिए यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो इस कैंडल को कंप्लीट होने देना, ठीक है। अगर यहाँ पे रेड कैंडल कोई बुलिश एनगल्पिंग पैटर्न बन रहा है, तो पहली 15 मिनट की अच्छी कैंडल को कंप्लीट होने के बाद दूसरी 15 मिनट की कैंडल को मैं एंट्री करना, अगर वो ग्रीन दिखती है तभी, ओके। और स्टॉप लॉस नज़दीक लगाना, मेरे जितने बड़े बड़े स्टॉप लॉस मत लगाना, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस एडजस्ट करता रहता हूँ, ओके। तो दोस्तों अब यहाँ पे इस लेवल पे आने के बाद हम एक, अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम अच्छे तरीके से वीडियो बनाएंगे और आपके लिए उसे अपलोड भी कर देंगे। तो अब तक हम पेशेंटली यहाँ पे वेट करेंगे। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।